हिमाचल में स्क्रब टाइफस के 250 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। स्क्रब टाइफस के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश के सभी अस्पतालों में बुखार के मरीज आते ही उनका स्क्रब टाइफस टेस्ट भी करवाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने स्क्रब टाइफस को लेकर निर्देशिका जारी की है। हिमाचल में स्क्रब टाइफस ने तेजी से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और प्रदेश में अब तक इस बीमारी से 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रदेश में इस बीमारी का आंकड़ा 250 से भी ऊपर पार कर चुका है। अकेले जिला बिलासपुर में सबसे अधिक 91 इस बीमारी के मरीज सामने आए हैं और प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में 30 मरीज इस बीमारी के सामने आए हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 4-5 वर्षों से स्क्रब टाइफस के मामले ज्यादा आने शुरू हो गए हैं। इससे पहले जिला अस्पतालों में 10 से 12 मरीज ही इस बीमारी की चपेट में आते थे। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों से पता चला है कि शिमला में 2 जबकि मंडी जिला में 1 मरीज की मौत इस बीमारी से हुई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बीमारी को लेकर प्रदेश के सभी अस्पताल प्रशासन को अलर्ट किया है। हर साल बरसात में स्क्रब टाइफस कई लोगों की जान पर भारी पड़ता है। इस रोग के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों में स्क्रब टाइफस रोगियों का मुफ्त उपचार करने के निर्देश जारी किए हैं। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल शिमला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा के बाद अब मंडी के नीरचौक मेडिकल कॉलेज में भी स्क्रब टाइफस के टेस्ट की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। मानसून सीजन में कई किसान, बागवान व खेतीहर मजदूर भी स्क्रब टाइफस का शिकार होते हैं। स्क्रब टाइफस के कारण प्रदेश में 3 साल में 90 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इस साल स्क्रब टाइफस के कारण 3 लोगों की मौत हुई है। जिला कांगड़ा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश गुलेर ने बताया कि जिला में इस बीमारी के 687 मरीजों के टेस्ट किए गए हैं, जिसमें 30 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक इस बीमारी से कोई भी मौत नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि इस बीमारी का इलाज हर स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त किया जा रहा है। उन्होंने बुखार आने से लोगों को तुरंत अस्पताल आने की सलाह दी। डॉक्टर राजेश गुलेर ने कहा कि ये बीमारी बरसात के मौसम में घास में पनपने वाले पिस्सू के कारण से ये रोग फैलता है। इस कारण मरीज को सिर दर्द, बुखार के साथ जोड़ों का दर्द, शरीर में दर्द, ठंडक लगना और शरीर पर निशान जैसी समस्या होती है। ऐसे लक्षण होने पर मरीज को तुरंत चिकित्सकों के पास उपचार करवाने आना चाहिए। BSNL ने अपने ग्राहक सेवा केंद्रों में उपभोक्ताओं को आधार कार्ड बनाने व नवीनीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए कांगड़ा व चंबा में 12 सेंटर स्थापित किए हैं। धर्मशाला में BSNL के आधार सेंटर का शुभारंभ निगम के GM प्रदीप सिंह ने किया। इस दौरान BSNL के GM प्रदीप सिंह ने कहा कि आधार सेंटर में ग्राहकों को नया आधार कार्ड बनाने सहित वर्तमान आधार कार्ड में जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को अपडेट करने की सुविधा मिलेगी, जिसका शहरी व ग्रामीण लोग लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने बताया कि धर्मशाला के साथ नूरपुर, पालमपुर, नगरोटा, बागमा, ज्वालामुखी, रहन, कांगड़ा, बुवारना, डलहौजी, चंबा, देहरा तथा सुरगानी में जल्दी आधार अपडेट केंद्र का शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांगड़ा व चंबा के दूर दराज के कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में रहने वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा। पालमपुर के 67 वर्षीय महेंद्र पाल वरिष्ठ सेवानिवृत्त वन अधिकारी ने पालमपुर में सेब का बगीचा तैयार कर मिसाल पैदा की है। सरकारी क्षेत्र में सेवा के दौरान कभी अपना फलों का बगीचा लगाने का सपना देखने वाले वरिष्ठ अधिकारी महेंद्र पाल वशिष्ठ ने प्रदेश सरकार की सहायता से वीरान पड़े लगभग 13 कनाल भूमि पर सेब का बगीचा तैयार कर उदाहरण पेश किया है। धौलाधार पहाड़ियों के आंचल में पालमपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत साख के गांव भौंटा में अपने बेटे के साथ मिलकर जमीन खरीदी और कड़ी मेहनत और फल विशेषज्ञों की राय पर सुंदर फलों का बगीचा तैयार किया है। आज वशिष्ठ के बगीचे में लगभग सभी पौधों पर सेब की फसल बाजार में आने को तैयार है। निचले हिमाचल में सेब तैयार करना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन प्रदेश के बागवानी विभाग के विशेषज्ञों द्वारा लो चिलिंग वैरायटी की पौध तैयार करने से निचले हिमाचल में आने वाले समय में सेब की फसल तैयार होने की संभावनाएं प्रबल होती नजर आ रही हैं।
बागवानी और कृषि विभाग के सहयोग से एमपी वशिष्ठ ने साख में 13 कनाल भूमि में सेब के अलग अलग वैरायटी के 350 पौधे रोपित किए हैं। बगीचे में रंग और आकार में अच्छे फल आने से वशिष्ठ और बागवानी विभाग काफी उत्साहित है। महेंद्र पाल वशिष्ठ के मुताबिक उन्होंने वैज्ञानिक परामर्श पर सेब की लो चिलिंग वैरायटी अन्ना और डोरसेट के पौधे स्वयं प्रशिक्षण लेकर तैयार किए। उन्होंने 13 कनाल के बगीचे में कृषि विभाग के परामर्श पर 6 लाख के उपदान पर सोलर फेंसिंग, फलों को पक्षियों और ओलावृष्टि से बचाव के लिए 80% अनुदान पर ओला अवरोधक जाली तथा सिंचाई के लिए 90% अनुदान पर टैंक सिंचाई प्रणाली भी लगवाई है। इसके अलावा कीटनाशक दवाइयां और पौधों पर उपदान भी प्राप्त हुआ है। उन्होंने युवा पीढ़ी को संदेश दिया कि नौकरी के पीछे ना भागकर कृषि और बागवानी क्षेत्र में अपना भविष्य संवार सकते हैं तथा खेती बाड़ी को अच्छी कमाई का जरिया बना सकते हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि सरकार द्वारा कृषि बागवानी क्षेत्र में बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसका लाभ उठाकर इसे स्वरोजगार के रूप में अपनाएं। विषयवाद विशेषज्ञ डॉक्टर नरोत्तम कौशल का कहना है कि महेंद्र पाल वशिष्ठ जैसे कई लोगों ने धौलाधार की पहाड़ियों के साथ लगते क्षेत्रों में सेब के पौधे लगाए हैं। इस क्षेत्र में सेब की बागवानी भी संभव है और बहुत से लोग इसको कर भी रहे हैं। लोग इसको करने का सबसे ज्यादा फायदा भी ले रहे हैं। क्षेत्र में तैयार सेब प्रदेश के अन्य भागों से पहले जून माह के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह में तैयार हो जाता है। बाजार में सबसे पहले फल आने से इसके भाव भी अच्छे प्राप्त होते हैं। डॉक्टर कौशल ने कहा कि धौलाधार पहाड़ियों के साथ लगते क्षेत्र में सेब के साथ नाशपाती, खुरमानी, पलम, आड़ू, पीकानट, जापानी फल तथा कीवी उत्पादन के लिए भी अनुकूल है। स्नो लाइन के नजदीक होने से यहाँ चलने वाली ठंडी हवाएं भी फल, फूल और सब्जी उत्पादन के लिए अनुकूल हैं। ये इसमें अच्छी तरह से लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे खुमानी है, वो भी इस क्षेत्र में अच्छी तरह अच्छी फसल दे सकती है। बाकी ये क्षेत्र जो है बागवानी के लिए ज़्यादा उपयुक्त है बनिस्बत बाकी जो फसलें होती हैं, जैसे धान है, गेहूं है, इससे कहीं ज़्यादा हम आमदनी सेब की बागवानी से या दूसरे फलों की बागवानी से कर सकते हैं। उससे हमारे बागवानों की, किसानों की जो आर्थिकी है वो ज़्यादा अच्छी हो सकती है।